हेलो एवरीवन गाइस, सो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। और आज हम लोग यहां पर देखने वाले हैं अपने साइंस टू क्लास टेंथ का जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, सारा का सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम देखने वाले हैं। हम ट्राई करेंगे कुछ चैप्टर का, यानी कि 1 चैप्टर 2 चैप्टर एंड 3rd चैप्टर, जो हमारा 3 चैप्टर है, इन 3 के 3 चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स देखेंगे। आपको पता है कि इसके पहले वाले बोर्ड्स में भी आपने देखा होगा, इसके पहले वाले प्रीवियस पेपर में, सैंपल पेपर में, कि आप लोगों को करीबन 10 मार्क्स का डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आ चुका है। आपको पता ही होगा पुराने वाले सिलेबस का आप या फिर नए सिलेबस का पेपर पैटर्न या 21 कुछ भी उठा के आप देख लो, आपको समझ जाएगा। तो पिछले बार भी मैंने पिछले साल भी एक वीडियो क्रिएट की थी जहां से 80% डायग्राम्स आए थे। इस बार भी जो आपको कहूंगा वही सारे डायग्राम्स आपको करने हैं। तो पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 के डायग्राम्स देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके 2-3 वीडियोस बनेंगी, अभी तो मैं फिलहाल 3 चैप्टर के ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा। तो गाइज यहां से अगर आप करना चाहो तो मैंने पिछले साल और 2 साल जो पहले के थे उनको बोला था, लेकिन यहां से कोई डायग्राम एग्जाम में आई नहीं। बट इस साल फिर से मैं कह देता हूँ, क्या पता इस साल आ जाए, मे बी। तो ये 3 डायग्राम यहाँ से कर लो, ये 3 डायग्राम है, यानी कि जो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन वाले डायग्राम है कर लो, मतलब आसान है। और ट्रांसलेशन मैंने वीडियो में समझा भी दिया है, म्यूटेशन के भी कर लो, बाकी नहीं करोगे तो भी इतना कोई प्रायोरिटी मत दो। मतलब आया नहीं अभी तक और तो क्या कहना, बाकी यहां से भी कुछ नहीं। यहां से अगर आएगा भी ना ये डायग्राम्स तो बनाने को नहीं आता है डायग्राम, आपको ये बनाने को नहीं आने वाला कि आप ये कुत्ता बिल्ली भैंस बकरी बनाते बैठो, ठीक है। ये बकरी ये जो भी है ये डायग्राम ये आपको बनाने नहीं आएगा, आपको ये डायग्राम पहले से दिया रहेगा और बोलेगा कि बताओ कि ये कौन से एविडेंसेस से रिलेटेड है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डायग्राम देगा और पूछेगा कौन से एविडेंसेस से रिलेटेड है, तो आपको बता रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस से। सिमिलरली आपको यहां पर भी पूछेगा कि बताओ ये जो स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स है, ऐसा डायग्राम दे देगा, बोलेगा कौन से एविडेंसेस से रिलेटेड है, तो बताना है कि एनाटॉमिकल एविडेंसेस से। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। तो यहां से इस तरीके से पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे वेस्टिजियल ऑर्गन है तो इसकी डायग्राम्स यहाँ पे आप कौन सा, जैसे कि ईयर्स मसल्स है, टेल बोन यानी कॉकेक्स है, तो ये कुछ भी पूछेगा, ये डायग्राम्स देगा ना यहाँ से, तो यहाँ से यही पूछेगा कौन सा ऑर्गन या किस तरीके का क्या है, किससे रिलेटेड वो डायग्राम है, यही पूछेगा, बाकी कुछ नहीं पूछने वाला है। उसके बाद आ जाओ ये बाकी कार्बन डेटिंग, तो आपको समझा रखा है। देखो ये डायग्राम जो है यहाँ पे दिया, फिलहाल ये स्ट्रक्चर है, डायग्राम नहीं है ये, स्ट्रक्चर और डायग्राम में फर्क होता है, ठीक है। तो ये जो है ना ये स्ट्रक्चर, इसमें आ चुका है, 2018 के पेपर में ये आ चुका है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना, 2018-19 के पेपर में आ चुका है, जिसमें पूरा का पूरा पैलियोजॉइक, मीसोजॉइक एंड सीनोजॉइक एरास के बारे में आपको बताना था, जैसे कि हमारे चैनल का भी नाम न्यू इंडियन एरा है, वैसे ही एरा, ठीक है। तो पैलियोजॉइक एरा, मीसोजॉइक एरा एंड सीनोजॉइक एरा, तो इस तरीके से ये आपको डायग्राम आया था, इस साल भी रिपीट हो सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम याद करके जाना अच्छे से, ठीक है, चलेगा ना, ओके। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, तो ये डायग्राम आ सकता है एग्जाम में, बाकी ये सब कीड़े मकोड़े नहीं आने वाले, क्या है पता नहीं, ये तो झिंगुर दिख रहा है, ठीक है, ये नहीं आएगा, ओके। और यस ये भी अगर आया तो आपको बस यही पूछेगा कि किससे रिलेटेड है, तो आप बता देना कि एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस से रिलेटेड है, बस पहचान के जाना डायग्राम कौन किससे रिलेटेड है, बस और कुछ नहीं, बाकी ये सब ये टकले बिकले कुछ नहीं आने वाला इनका डायग्राम, ये जो है ये सब कुछ जिराफ उराफ थोड़ी वहां सब नहीं पूछते हैं बाबा, ये सब इन सब का भी कुछ नहीं पूछेगा। इन सब के अगर आपको इतना ही बहुत पढ़ने वाले हो, आप टॉपर हो, तो इनके नाम याद कर लो कि मतलब एंशियंट एनिमल्स लाइक लेमूर्स, फिर इसके अलावा जो इजिप्टोपिथिकस है, ड्रायोपिथिकस है, रामापिथिकस है, तो ये सब की एज याद कर लो अगर करनी है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब कुछ नहीं आएगा, ये सब भी ये बाबा जी को नमस्कार, ये भी नहीं आने वाले, ये कोई भी नहीं आएगा आपको, थोड़ा सा इनको हम लोग अच्छे से मतलब बना देते हैं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जय भगवान, ठीक है। तो ये सब नहीं आएंगे, ये बात आपको समझ के रखनी है, ओके। तो ये सब बिल्कुल भी मतलब नहीं आएगा, बस इतना आपको ध्यान देना है, ओके, चलेगा ना, बस ये सब मतलब नहीं आएंगे, जितना मैंने आपको बता दिया ना उसको ध्यान देना। तो पहले चैप्टर मतलब कभी डायग्राम आया भी नहीं है और अब तक आने का चांस भी नहीं है। चलो चलते हैं मेन इंपॉर्टेंट, जहां से डायग्राम आने के चांसेस हैं, तो सेकंड और थर्ड चैप्टर जिसे कहते हैं, तो सेकंड चैप्टर से आपको अगर डायग्राम आएगा भी ना तो बाकी तो कुछ नहीं, ये अगर आपको आएगा तो फिल करने देगा, तो ये 2 मार्क्स के लिए प्लीज करके जाना, यहाँ पे फिल जैसे नोज है, माउथ है, ये गला है, टेटुआ है, सब ये आप लिख के जाना अच्छे से, ठीक है। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे बता देनी है जो भी है, तो ये सारी चीजें जो है ना मतलब आपको यहां से ये वाला आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, दैट्स सो सिंपल। आगे बढ़ते हैं एग्जाम में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया फॉर 3 मार्क्स करके जाना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, मतलब पाइरुविक एसिड, फैटी एसिड, सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है, इनर लाइनिंग, आउटर लाइनिंग, सब कुछ आपको समझाना है, ठीक है। डायग्राम एज इट इज ड्रॉ करनी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है, 3 मार्क्स के लिए याद रखना,
बार बार कह रहा हूं आएगा तो ये डेफिनेटली आएगा, ठीक है। चलो उसके बाद डायग्रामेटिक क्वेश्चंस में ये सब तो नहीं आया अब तक, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये देखो ये दोनों आपको आया भी था ऑब्वियसली, यस आपको पता भी होगा, ये भी आ चुका है एग्जाम में, ये भी आ चुका है दोनों आ चुके हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना कैसे आता है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये पूरा स्ट्रक्चर आपको बना बनाया देगा, फिर क्या करेगा यहाँ पे ये चीज को गायब कर देगा, मतलब ये डब्बा खाली रहेगा, तो यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा कि ग्लाइकोलाइसिस, ऐसे यहाँ पे प्रोटीन गायब कर देगा, कुछ भी गायब कर देगा बीच में से, ऐसे कुछ भी गायब कर देगा उसकी जगह में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अल्कोहल गायब कर देगा, आपको ये सब फिल करना पड़ेगा। तो आपको ये पहले से याद रखो कि क्या कहाँ पे आ सकता है, तो फिर आपको अगर आ गया एग्जाम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 3 मार्क्स, याद करके ही जाना, बार बार कह रहा हूं, मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ यहां पे देख लो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, दिस इज स्ट्रक्चर नॉट अ डायग्राम, ठीक है। तो ये जो अमाइनो एसिड इसके टाइप्स, फॉर एग्जांपल अगर ऐसे पूछे कि मेलानिन प्रेजेंट इन डैश, तो आपको याद होना चाहिए कि मेलानिन प्रेजेंट इन स्किन, ओसिन प्रेजेंट इन बोन्स, ये सब आपको याद होना चाहिए, ऐसा एग्जाम में आता है। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं बता भी रहा हूं कि कैसे एग्जाम में आएगा यार, मायोसिन एंड मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट इन मसल्स, ऐसे ही बहुत सारे यार, वेरियस हार्मोन्स रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन प्रेजेंट इन पैनक्रियास और रिलीज्ड बाय पैनक्रियास, तो ये सब आपको याद करना, दिस इज द स्ट्रक्चर। यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का बनेगा, मतलब कोई भी पूछ लेगा, कोई भी डब्बे में से एक पूछ लेगा, पक्का पूछता है, पिछले साल भी पूछा था तो मैंने आपको बता दिया। फिर एक देखो यार मेरा मन कर रहा है मैं आपको बता दूं, ये डेफिनेशन याद कर लो यार, ये छुपी रुस्तम जो है यहाँ पे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोनियोजेनेसिस पूछता है, तो यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ तक पूरी पूरी डेफिनेशन लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसे मैंने बता दिया, डायग्राम तो नहीं है बट फिर भी मैंने लेक्चर में नहीं बताया होगा तो मैंने अभी बता दिया, बाकी कर लेना। सेल डिवीजन में आ जाओ, सेल डिवीजन की मेरे लेक्चर देख लो, ये माइटो, ये अगर क्रोमोसोम पूछा तो पूछ लेगा, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा कि ये आपका पी आर्म है, ठीक है, फिर ये सेंट्रोमियर है, ये सब मैंने बताया, डीएनए है, क्यू आर्म है, ठीक है। तो ये सब आपको प्लीज पढ़ के जाना है सारी की सारी चीजें, ओके। तो ये सब आपको अच्छे से समझना है, ये डायग्राम अगर आई तो आ जाएगी, 9th में भी सेम डायग्राम थी। हाँ जब बात आती है इन सेल डिवीजन की, सेल डिवीजन का अगर क्वेश्चन आया, बड़े मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है 2 से 4-5 मार्क्स के लिए, तो अगर माइटोसिस पूछ रहे तो फिर आपको प्रोफेज, मेटाफेज या एनाफेज सब समझाना पड़ेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये डायग्राम दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये जो डिवीजन का, तो ये सब देखो कितना एकदम गंदा सा डायग्राम है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, मेरी वीडियोस आप एक बार जाके नई वाली देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करोगे Science-2 का कंप्लीट न्यू वीडियो बनाए, और कसम से कहता हूं वैसा वीडियो आपको किधर भी नहीं मिलेगा, किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा। ये तो चैलेंज है, सीधा चैलेंज है, क्योंकि हमारे वीडियोस को टीचर्स भी देख रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जगह से, ठीक है। आपने कमेंट बॉक्स जाके पढ़ लेनी है, आपको समझ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे मैंने एकदम न्यू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज सभी की डायग्राम दे रखी है, और एकदम बेटर तरीके से सेल डिवीजन समझाया है। जस्ट एक बार जाओ और देखो, इस चैप्टर का लास्ट वाले पार्ट में भी मैंने बताया है मेटाफेज, माइटोसिस के बारे में, देखो जाके, आपको कसम से मजा नहीं आया तो कह देना, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, एक बार ये पूरा, ये जो मैंने वहां पे डायग्राम बताई ना, एज इट इज वही डायग्राम बना देना एग्जाम में, और बाकी ये सब नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। हाँ फिर आते हैं, जब भी हम लोग यहाँ पे अगर पूछ ले कि साइटोकाइनेसिस की डायग्राम बनाओ, तो ये आपको एज इट इज बना देनी, क्योंकि ये तो सही है, अच्छी अच्छी डायग्राम भी बुक में। और मियोसिस से तो क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, ये तो चैलेंज, मैं कह देता हूं ना, बोर्ड में नहीं आएगा मियोसिस से क्वेश्चन, आएगा भी तो ये डायग्राम विग्राम नहीं आएगा, मियोसिस बोलेगा डिस्क्राइब मियोसिस, तो बता देना कि जर्म सेल में होता है, और ये मतलब हैप्लॉइड गैमेट्स के नंबर को हाफ कर देता है क्रोमोसोम्स को, बता देना सारी चीजें, यही जो भी है मियोसिस में, ठीक है। तो इतना आपको समझ के रखना है, हैप्लॉइड गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, जर्म सेल्स में होता है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे हेल्प करता है, बहुत सारी चीजें मियोसिस में मैंने बता रखी है लेक्चर्स में, अब यहाँ लेक्चर थोड़ी स्टार्ट करूंगा, तो इतना आपको ध्यान देना है। अभी आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज यार पूरा कर ले, देखो एक्सरसाइज में देखो दिया भी हुआ, देखो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, तो ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, एज इट इज आ गया था पिछले साल। तो अब आते हैं थर्ड चैप्टर में, मैंने सुना है कि आप लोगों को स्टार्टिंग का पार्ट जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला है वो डिलीटेड है, तो ये सब कुछ है जो डिलीटेड है उसे मत, मैं देखो मैं सब बता दे रहा हूँ, बट डिलीटेड वाला आपको खुद से नहीं पढ़ना, जो डिलीटेड है, जैसे कि देखो अभी ये आपको पूरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिलीटेड है, ठीक है, तो अब आपको ये पढ़ के फायदा क्या है, मतलब डिलीटेड है तो नहीं पढ़ना है, That's so simple. ठीक है, तो ये सब अगर आपको पढ़ना है, आपको अच्छा लगता है, तो फिर आप ये सिंपल बाइनरी फ्यूजन अमीबा का ये भी पढ़ लो, कितनी आसान ये डायग्राम, मतलब देख लो कितनी चिंदी चिंदी है यार, मतलब ये सिंपल बाइनरी, मतलब एक को बनाओ बीच में से तोड़ ताड़ के अलग दो दो अलग अलग कर दो, कितना आसान है ना, ठीक है। फिर ऐसे ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन में ये भी डायग्राम देख लो कितने चिंदी चिंदी है, तो अगर आपको करना है तो कर लो, बट वैसे मतलब रिड्यूस्ड है तो नहीं आएगा आपको। ऐसे यहाँ पे मल्टीपल फिजन भी देखो, ये भी आपको रिड्यूस है तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये सब कुछ नहीं आएंगे, मे बी अगर रिड्यूस नहीं है तो देखो ये फिर कर लो, फ्रेगमेंटेशन भी कर लो, सारे डायग्राम करने आपको, ये रीजनरेशन कर लो, आपको आगे बताऊंगा, ये देखो ये हाइड्रा कर लो, ये बडिंग नहीं आएगा, ये यहां से नहीं आएगा, स्वीट पोटेटो का डायग्राम, पोटेटो ब्रायोफाइला में सब नहीं आएगा, डोंट वरी, कह दे रहा हूं ना, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, बस
बिलीफ भी क्या करो यार, बिलीफ नाम की चीज होनी चाहिए, तो ये नहीं आएगा। हाँ अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो यहाँ पे ये भाई 3 मार्क्स को आता है 2015 के पेपर में, 2016 के पेपर में, 2 साल लगातार रिपीट हुआ था। ये मत बोलो कि पुराना पेपर है तो मतलब नहीं करना है, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पुराने सिलेबस में भी था। यहाँ से ये गायनोसियम है, यहाँ से देखो हमारा फिर ये एंड्रोसियम है, फिर हमारा इस तरीके से कोरोला, पेटल, सेपल्स, ईच एंड एवरीथिंग, पेडिसल्स वगैरह, सब कुछ आपको समझाना है, सब कुछ आपको समझाना है यहाँ पे, ठीक है। पूरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, प्लीज छोड़ के मत जाना वरना फिर पछताओगे, ठीक है। हमें जो तुम छोड़ के जाओगे बड़ा पछताओगे, ठीक है, ये बात तुम्हें ध्यान देनी है। आ जाओ अभी यहाँ पे, डबल फर्टिलाइजेशन से भी डायग्राम आ सकती है, अगर आएगी तो ये कंप्लीट डायग्राम आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, और कसम से कहता हूं अगर ये डायग्राम आई ना तो आपको फॉर 5 मार्क्स को ड्रॉ करने बोलेगा, क्योंकि बड़ी डायग्राम है, डेफिनेटली बड़े क्वेश्चन ने बोलेगा। बट कभी भी आज तक ऐसा बड़े क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन ही पूछते हैं, कभी भी डायग्राम ओनली नहीं पूछते हैं, तो इसलिए मैं तुमको कहता हूं कि अगर करना ही तो सिर्फ ये वाली करके जाओ और ये वाली करके जाओ, दोनों से बना देना, ये तो पूरा ही कर लो, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर हो गया, क्या करोगे, मतलब थोड़ी पता होता कि क्या नहीं आएगा, तो आप कर लो, अगर आ गया तो आपकी चांदी ही चांदी है, ठीक है, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट तो है, ऑब्वियसली 99% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी यहाँ से निकलो, ये सब कुछ नहीं है, यहाँ पे आ जाओ। अब तक देखो कहता हूं, अब तक ये पुराने सिलेबस 2015, 2016, 2017 में भी तीनों में आ चुका है, उसके बाद से नहीं आया, नए सिलेबस में अब तक ही नहीं आया, लेकिन मे बी इस बार आ जाए, तो डायग्राम थोड़ा हार्ड तो लगता है बट यस आने के चांसेस तो हैं, तो कर लो, आएगा तो 3 मार्क्स से नीचे नहीं आएगा। एक ये है और एक रुको दूसरा वाला, इसकी जोड़ी को दिखाता हूं, देखो ये इसकी जोड़ी है इधर, ठीक है, तो ये भी या तो ये आएगा, जब मैंने 10th का बोर्ड दिया था मुझे अभी भी याद है कि मेरे को ये वाला डायग्राम आया था फॉर 3 मार्क्स और मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है, तो ये बातें आपको समझनी है। तो ये दोनों भाई जोड़ियां हैं, ये दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दोनों एग्जाम में आ सकती है, प्लीज टिक मार्क कर लो और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो ब्लैंक पेपर में, तो आने के चांसेस है दोनों डायग्राम के। बाकी सब कुछ नहीं आएगा यहाँ से, कुछ नहीं, ये सब टिंगो मिंगो नहीं आएंगे, ठीक है, आगे निकलते हैं, ये सब कुछ नहीं आने वाला। हाँ यहाँ पे आ जाओ, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये भले तुम्हें ना समझा हो, मेरी एक बार वीडियो देख लेना सब समझ जाएगा, एक एक्स्ट्रा वीडियो भी बना दूंगा इसके ऊपर, बट यस करके जरूर जाना भाई, करके इस वीडियो को जरूर जाना और ये वाला डायग्राम प्रैक्टिस करो, मत करो बट करना जरूर। हाँ लेकिन एक मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूं कि इस वाले जो तुम्हारे पास ये दिया हुआ है इसको सबसे लास्ट में करना, जब सब हो जाएगा तभी करना, पहले इसमें माथा पच्ची मत करना, अपना दिमाग खाना मत इसमें, सबसे लास्ट में करना, ओके, ये सजेशन है, करना जरूर बट लास्ट में करना। बाकी यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा, ये सब इनका डायग्राम बनाओगे, कितने मतलब कितने भोले हो, है ना, इनके डायग्राम तुम बनाओगे, ऐसे थोड़ी चलता है यार, मतलब थोड़ा रुक जाओ यार, चलो अब पढ़िया ये लो, ठीक है। तो ये दोनों नहीं आएंगे एग्जाम में, इतना तुम्हें समझ के रखना है, ये दोनों नहीं आएंगे, ओके, चलो अभी आगे निकलते हैं। सो यस रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ऑल एंड ऑल, यहाँ से कुछ नहीं, दैट टेंशन एंड खत्म, ठीक है। तो ये अभी हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर में, नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा, अभी के लिए सारा पॉसिबल नहीं है एक साथ, ठीक है। तो जितना मैंने बता दिया उतना करके जाना, शिद्दत से करके जाना, मेहनत से करके जाना, छोड़ के मत जाना, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलेंगे ऐसे ही अगले वाले वीडियो में, चैप्टर नंबर 4 से 3 चैप्टर के फिर से इंपॉर्टेंट वीडियो देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू ऑल ऑफ यू।